अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट हादिया अशरफ एंड टुडे वी आर प्रेजेंट एट दिस प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट 2023 बाय मकान.com और यहाँ पर मेरे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, बुरर साहब। सर, मुझे आप सबसे पहले बताइएगा मकान के आज आप इस प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट पर आए हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ? माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक तो आज मेरा पहला विजिट है मकान के किसी इवेंट के ऊपर एंड आई एम वेरी पॉजिटिवली सरप्राइज्ड कि जिस किस्म की कोऑर्डिनेशन और अरेंजमेंट्स और जो सारे यहाँ पे मेहमान आए और विजिटर्स, गेस्ट एंड इन्वेस्टर्स, सारों की क्वालिटी एंड टीम की ग्रूमिंग एंड परफॉर्मेंस देखे, आई एम वेरी हाईली इम्प्रेस्ड। सो कीप अप द गुड वर्क जी, एंड आई वुड स्पेशली लाइक टू रेकमेंड कमेंट ऑन द ब्रांडिंग टीम, क्योंकि मेरा अपना ब्रांड का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं देख के बहुत खुशी हुई है कि बहुत क्रिएटिव और अच्छा खूबसूरत काम किया हुआ है। थैंक यू सर। सर, मुझे आप ये बताइएगा मकान जो है आपके प्रोजेक्ट्स ब्लू वर्ल्ड सिटी एज वेल एज ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को मार्केट कर रहा है, आप मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ब्रीफिंग दें ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में। जी, ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा कि आप जानते हैं जीटी रोड के ऊपर बहरिया पैराडाइज के अंदर मेन जीटी रोड अबटिंग प्लॉट है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस वक्त दो ट्रेड टावर्स के अंदर जो दो टावर्स बन रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी द टॉलेस्ट ट्विन टावर्स इन पिंडी इस्लामाबाद, और द आइडिया इज़ टू प्रोवाइड बोथ कॉरपोरेट एज वेल एज अदर फैसिलिटीज़ और शॉपिंग फैसिलिटीज़ टू द मार्केट। अगर आप इसका देखें, किसी भी टावर के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी विसिनिटी में सिमिलर प्रोजेक्ट्स कितने हैं और उसकी जितनी ऑडियंस है वो कितनी वेल सर्विस्ड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह द पोजिशनिंग एंड जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट and one of the projects that will be talked about in the market. इंशाल्लाह। तो सर, मुझे इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसी लाइन पे जीटी रोड पे और भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, तो आपके ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो प्रोजेक्ट है उसकी क्या यूएसपी है, क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है? देखिए जी, सबसे बड़ी जब भी आप किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं रियल इस्टेट में, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, तो यू हैव टू लुक एट के इनकी डेवलपमेंट के ऊपर सीरियसनेस क्या है, इनका एक्सपीरियंस और इनका बैकग्राउंड क्या है। तो ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जैसा कि आपको नाम से पता चलता है कि हमारा ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ ताल्लुक है, और ब्लू वर्ल्ड सिटी अल्हम्दुलिल्लाह इज़ नाउ अ ब्रांड विच इज़ नाउ एक्नॉलेज्ड बाय ऑल ऑफ द मार्केट। और जितनी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं इस वक्त, हमारे 2 लाख कनाल प्लस की जो एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन हो चुकी है, ओवर 70 to 80,000 कनाल पे इस वक्त हमारा डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो ये तो एक 13 कनाल का एक प्रोजेक्ट है। येस, इट्स स्टिल यूनिक ऑन इट्स ओन लेवल दैट इट इज़ अ वर्टिकल प्रोजेक्ट, वो हमारे हॉरिजॉन्टल के प्रोजेक्ट हैं। दिस इज़ आर फर्स्ट वर्टिकल कमर्शियल प्रोजेक्ट और दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ मैनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, उस वजह से हमारे बैकग्राउंड और हमारे एक्सपीरियंस की वजह से, और ये कि किसी भी कहीं पे जब इन्वेस्टमेंट हो रही होती है तो लोग सबसे पहले देखते हैं कि बनाने वाला कौन है, क्या लोग ये क्रेडिबल हैं, क्या ये काम करेंगे या क्या ये डिलीवर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मार्केट के अंदर एक ROI मॉडल्स के ऊपर नाम पे और लैक ऑफ डिलीवरी के ऊपर एक बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज आई डोंट फील दैट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, बट हमारे इर्द गिर्द आप कह लें 500 मीटर की वसिनिटी में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 6-6, 8-8 साल से बन रहे हैं और आते वो ग्राउंड से बाहर नहीं आ सके, उनके ऊपर कोई अगर आप साइट पर जाके देखें तो कोई काम नहीं हो रहा। उसके मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट की नॉन स्टॉप प्रोग्रेस हो रही है, अप्रूवल्स के प्रोसेस कम्प्लीट हो चुके हैं, हमारा इस वक्त वहाँ पर साइट के ऊपर एंकरिंग का काम चल रहा है, सोल्जर पाइलिंग कम्प्लीट हो चुकी है, एंकरिंग हो चुकी है, इस वक्त टेस्ट पाइलिंग हो रही है, और टेस्ट पाइलिंग होने के बाद अगला स्टेज है कि राफ्ट की तैयारी, पहले वो पाइल्स कंप्लीट होंगे और उसके बाद राफ्ट का काम शुरू हो जाएगा। तो यू आर सीइंग कांस्टेंट प्रोग्रेस एंड दैट इज द ओनली क्रेडिबल मार्क वेयर यू बिलीव के व्हिच टेल्स के प्रोजेक्ट क्या काम कर रहा है और क्या ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा या नहीं होगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक ब्रांड बन चुका है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं क्या लेटेस्ट वहां पे डेवलपमेंट है, क्या अपडेट्स हैं? जी, ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं वर्ल्ड टॉलेस्ट हॉर्स स्ट्रक्चर्स जो हैं द स्केल्पीज की रेप्लिकाज 125 फीट टॉल बन चुके हैं। इस वक्त हमारा जो ब्लू वर्ल्ड टावर बन रहा है वो ऑलरेडी 50% बन चुका है और उसकी कंप्लीशन के ऊपर इस वक्त स्पेडिली काम हो रहा है। फोर्स स्कूल सिस्टम ऑलरेडी इज एक्टिव, हमारे इस वक्त स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है। सो एनी अमेनिटीज़ दैट आर एक्सपेक्टेड इन अ प्रोजेक्ट ताकि टू ब्रिंग लाइफ टू द प्रोजेक्ट, वो सारी वहाँ पर फैसिलिटेट हो रही हैं। रिटेल के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आ रहे हैं, बैंक्स की प्रेजेंस आ रही है, सॉल्ट एंड पेपर ऑलरेडी सेकेंड कप वहाँ खुल चुका है, सॉल्ट एंड पेपर की इस वक्त डेवलपमेंट का काम जारी है, कॉर्पोरेट हेड ऑफिस बहुत स्पीड के साथ रैपिड स्पीड पे इस वक्त ऑलरेडी डेवलप हो रहा है। सो इस वक्त आप एंड ऑलरेडी जनरल ब्लॉक के अंदर पोजेशंस दी जा रही हैं, कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हो चुके हैं, आबादी आना शुरू हो गई है, सोलर के अच्छी सस्ती चीप इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। सो इन होलिस्टिक सेंस देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन
एंड आई वेलकम एनी एंड एवरीबडी हु हैज एनी क्वेश्चंस कि साइट विजिट करें. आपको कहते हैं ना, आंखों देखा ही हमेशा जो होता है सबसे काबिल यकीन होता है. सो कम विजिट द साइट एंड लेट दैट बी द जज. थैंक यू सो मच सर. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर बिकॉज आपकी पहचान आपका मकान. थैंक यू.